हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेरेंस का क्लास। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस बाय मार्गा मिंको की कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चंस। और इन्हें आप कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और थोड़े से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस भी एडेड हैं इसमें। इससे पहले ऑलरेडी आपको वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन ये कंपाइल्ड वीडियो है। एक ही वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इससे पहले इस चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन भी दी जा चुकी है। अगर आपने उस एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कर सकते हैं, साथ में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या आपके लिए। मिसिस डॉर्लिंग टुक अवे मिसिस एस पोजेशन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। जो भी मिसिस एस के पास था, तो मिसिस डॉर्लिंग जब भी उनके घर आती है, वो किस बहाने से वो सारी की सारी चीज़ें लेकर जा रही थी अपने घर पर। क्या कहती है उनको, उनको यूज़ करने के लिए, उनको बेचने के लिए उनकी ज़रूरत थी इसे, या फिर कीपिंग देम सेफ, या कहती है कि मैं इनको सेफ रखूंगे क्योंकि उनका घर जो है, मींस मिसिस एस का घर जो है, वो एक वॉर प्रोन एरिया में था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, यस ऑफ कोर्स, उसने कहा कि मैं आपका हर एक सामान जो है बिल्कुल सेफ रखूंगी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, हाउ डिड मिसिस डॉर्लिंग रिएक्ट व्हेन द नरेटर विजिट हर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मिसिस डॉर्लिंग ने कैसे रिएक्ट किया जब नरेटर उसके पास वो द फर्स्ट टाइम पहुंचती है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऐसा लगता है कि सारे ऑप्शंस ही करेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, शी डी नॉट लेट द डोर टू बी ओपनड बाय एनी फर्दर, यानी वो नहीं चाहती कि दरवाजा और खुले। हर फेस एब्सोल्युटली गेव नो साइन ऑफ रिकग्निशन, कि ऐसा भी था कि उसका फेस जो है ऐसे शो करा था जैसे उसने पहचाना ही नहीं। और शी केप्ट स्टीयरिंग एट द नरेटर इन साइलेंस, और नरेटर को वो घूरती रहती है। स्टीयर करना क्या होता है, घूरना थोड़ा सा देखना, या फिर ऑल द अबव। तो यहाँ पर हम कहेंगे मिसिस डॉर्लिंग का जो रिएक्शन था वो एक्चुअल में सारे के सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं। उनका रिएक्शन एक्चुअल में ही ऐसा था, वो उनको जो है घूर, यानी नरेटर को घूर भी रही थी और दरवाज़ा भी ज़्यादा नहीं खोल रही थी, और साथ में कोई ऐसा था भी जैसे पहचानने वाला कोई साइन ही नहीं उसने शो किया कि वो पहचान गई है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, व्हाट कन्फ्यूजन डिड द नरेटर हैव अबाउट द एड्रेस ऑफ दैट हाउस। तो जो नरेटर को क्या कन्फ्यूजन थी उस घर के एड्रेस के बारे में, परहैप्स शी वॉज मिस्टेकन, उसको लगा शायद गलती हो गई है। द नरेटर हैड सीन हर, मीन्स मिसिस डॉर्लिंग, फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, यानी बहुत जल्दी जल्दी में देखा था, तो वो ही काफ़ी साल पहले। और द नरेटर थॉट दैट शी माइट हैव रंग द रॉन्ग बेल, उसको लगा कि शायद उसने कोई गलत बेल जो है कर दी है डोर बेल। लास्ट ऑप्शन है ऑल दी अबव। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो राइट आंसर है, यस ऑफ कोर्स, यही कन्फ्यूजन थी नरेटर के मन में, और राइट आंसर ऑल द अबव है जो यहाँ पर ऑलरेडी मैंशन है सारी की सारी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, हाउ मेनी टाइम्स हैड द नरेटर सीन मिसिस डॉर्लिंग बिफोर। इससे पहले नरेटर ने मिसिस डॉर्लिंग को कितनी बार देखा था। तो ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देखा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, द नरेटर डिसाइडेड टू लीव मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस हरिडली बिकॉज। नरेटर जो है मिसिस डॉर्लिंग के घर को जल्दी जल्दी छोड़ के जाना चाहती है, किस वजह से। फर्स्ट ऑप्शन है, शी वॉज गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन, और शी वॉज हंग्री, और शी हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर मदर्स बिलोंगिंग्स, या उसको अपनी मदर की बिलोंगिंग्स में आपको इंटरेस्ट नहीं था। बिलोंगिंग्स क्या होती हैं, जो भी चीज़ें उसकी मदर की याद से जुड़ी हुई थी। और शी डिडंट वॉन्ट टू मीट मिसिस डॉर्लिंग, या फिर मिसिस डॉर्लिंग से मिलना ही नहीं चाहती थी। तो बट हम कहेंगे यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, क्योंकि उसको लगा कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, तो अपनी जो मदर की बिलोंगिंग्स हैं, यानी मेरी मदर से जो भी चीज़ें बिलोंग करती हैं उनका मैं भी अब क्या करूँगी, तो इसलिए उसने उन चीज़ों को छोड़ना ही डिसाइड किया और वहाँ से जल्दी वो निकलना चाहती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए, व्हाट डस मिसिस डॉर्लिंग मीन व्हेन शी सेड अनदर टाइम टू द ऑथर। वो ऑथर को कहती है, नरेटर को कहती है अनदर टाइम, तो इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स शी विल मीट हर प्रॉपरली द नेक्स्ट टाइम, और दे विल हैव टी नेक्स्ट टाइम, और शी विल रिटर्न हर थिंग्स नेक्स्ट टाइम, या लास्ट ऑप्शन है दे विल टॉक अबाउट हर मदर नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइम एक्चुअल में वर्ड यूज़ किया, ये फ्रेज यूज़ किया गया, वो इस पर्पज़ के लिए है कि मैं तुमसे जो है नेक्स्ट टाइम मिलूंगी, वो भी प्रॉपरली। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, विच ड्रेस वॉज मिसिस डॉर्लिंग वियरिंग। मिसिस डॉर्लिंग एक्चुअल में कौन सी ड्रेस पहनी हुई थी। तो यहाँ पर बड़े क्लियरली जो है बताया गया कि जो ड्रेस एक्चुअल में पहनी थी वो कौन सी थी। सभी ऑलमोस्ट ऑप्शन सिमिलर हैं, ड्रेस का सिर्फ कलर यहाँ डिफरेंट है, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन या ब्लैक। तो यहाँ पर राइट आंसर है द नरेटर्स मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन जो उसने पहना हुआ था,
मिसिज टॉलिंग ने. तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ स्मेल वॉज कमिंग फ्रॉम मिसिज टॉलिंग्स हाउस. किस तरह की स्मेल एक्चुअल में उनके घर से आ रही थी, मिसिज टॉलिंग के घर से. तो फर्स्ट ऑप्शन है स्मेल ऑफ वाटर, स्मेल ऑफ मॉइस्चर, स्मेल ऑफ ऑयल या फिर मस्टी स्मेल. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, येस ऑफकोर्स हम कहेंगे येस, मस्टी स्मेल आ रही थी एक्चुअल में. जैसे थोड़ा सा कोई चीज़ गीली होती है, वो उसको अच्छे से सुखाया नहीं गया, मीन्स बहुत कुछ वहाँ पर ऐसा था जो प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर एक जो सेटल नहीं किया गया था, सारा सामान ऐसे मिक्सअप हुआ पड़ा था. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए. वाइल शेयरिंग द एड्रेस ऑफ मिसिज डॉलिंग हर मदर हैड टोल्ड हर रिमेंबर दैट. यानी नरेटर की मदर ने उसको, नरेटर को बोला था रिमेंबर दैट. वाई, ऐसा किस लिए बोला था. तो ऑप्शन आपके सामने है, मिसिज टॉलिंग हर ओनली फ्रेंड लिव देयर और हर डॉटर वॉज टू क्लेम द फैमिली बिलोंगिंग्स फ्रॉम हिज एड्रेस फ्रॉम दिस एड्रेस आफ्टर द वॉर और दे हैड बीन इन्वाइटेड बाई मिसिज टॉलिंग ओवर टी. या लास्ट ऑप्शन आपके सामने है, द ऑथर वुड बी शिफ्टिंग देयर आफ्टर द वॉर वॉज ओवर. तो एक्चुअल में यहाँ पर रिमेंबर दैट, ये एक्चुअल में किस लिए बोला गया था. जो मिसिज एस है वो एक्चुअल में मिसिज डोलिंग को ये कहना चाहती है कि एक बात याद रखना. क्या बात याद रखना. वाइल शेयरिंग द एड्रेस ऑफ मिसिज डोलिंग हर मदर टोल्ड हर. तो अब उसकी मदर ने ये बताया कि देखो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है. और क्या कि हर डॉटर वॉज टू क्लेम द फैमिली बिलोंगिंग्स फ्रॉम दिस एड्रेस आफ्टर द वॉर. वो मिसिज ओलिंग को ये कहना चाहती हैं कि देखो मेरी बेटी जो है वो आएगी ये सारा का सारा सामान लेने के लिए जब वॉर ओवर हो जाएगी. तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. हाउ हैड द नरेटर गॉन देयर. नरेटर वहाँ पर कैसे गई थी, मीन्स मिसिज डॉलिंग के घर पर वो कैसे गई थी. तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम कहेंगे वो एक्चुअल में बाय ट्रेन गई थी, ऑन द ट्रेन आप कह सकते हैं. ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है. व्हाट डिड द नरेटर नोटिस व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स. अब जब मिसिज टॉलिंग के घर के पास पहुँच जाती है, स्टेप्स के पास पहुँच जाती है, तो उसने क्या नोटिस किया. उसने एक चीज़ नोटिस की थी, वो आप देखेंगे, द कर्टन इन द फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड और समवन स्टेयर्ड एट हर या समवन माइट हैव आस्क्ड व्हाट द नरेटर वॉन्टेड या लास्ट ऑप्शन है ऑल द अबव. तो एक्चुअल में नरेटर ने ये नोटिस किया जो कर्टन है वो बे विंडो का कहीं थोड़ा सा मूव किया, और मे बी ये भी था कि किसी ने देखा भी, और मे बी ये भी पूछा गया होगा कि एक्चुअल में नरेटर वहाँ क्या करने आई है, क्या चाहती है. तो इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा. यस ऑफ कोर्स ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, जिसमें सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अबाउट मिसिज टॉलिंग्स कैरेक्टर. मिसिज टॉलिंग के कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात क्या है. तो ऑप्शन आपके सामने हैं यहाँ पर, और हम कहेंगे कि वो एक अपॉर्चुनिस्ट और लायर भी हैं. हर फैमिली डिडन्ट नो एनीथिंग अबाउट मिसिज एस थिंग्स और शी वॉज इनिशियली ट्रस्टवर्दी बट लेटर बिकेम सेल्फिश और शी वॉज ट्रूली हेल्पफुल टू मिसिज एस. तो लगता है कि सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं, बट एक्यूरेट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है. क्योंकि उसकी फैमिली को जब नरेटर उसके घर जाती है, तो उसकी बेटी जो है, नरेटर को आपको याद होगा सारा सामान एक के बाद एक दिखाई जा रही है. तो उसकी फैमिली को भी एक्चुअल में ये नहीं मालूम था कि ये मिसिस एस का ही सामान है और जो नरेटर है वो उनकी बेटी है और वो सामान जो है वहाँ पर स्पेशल लेने ही आई थी. तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. व्हाट डिड द नरेटर नोटिस एट द नेम प्लेट अगेन. नेम प्लेट पे नरेटर ने क्या नोटिस किया. तो आप देख सकते हैं कि क्या एक्चुअल में उसने नोटिस किया होगा. यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे यहाँ राइट आंसर है, जो बात नरेटर ने वहाँ पर नोटिस की थी वो थी डॉर्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल. जैसे वाइट बैकग्राउंड होती है उसके ऊपर ब्लैक लेटर पे लिखा हुआ था, ब्लैक वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए थे एक्चुअल में डॉर्लिंग. ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट वाज द हाउस नंबर मेंशन ऑन द नेम प्लेट. नेम प्लेट के ऊपर क्या हाउस नंबर मेंशन किया गया था. तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या है. यस ऑफ कोर्स जो नंबर प्लेट पे हाउस मेंशन किया गया था या नंबर मेंशन किया गया था वहाँ पे, वो है नंबर 46. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाइल द नरेटर स्टार्टेड मूविंग बैक टू द स्टेशन व्हाट डिड शी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट. वो स्टेशन की तरफ जब उसने मूव करना स्टार्ट किया तो क्या सोच रही थी वो अपनी मदर के बारे में, अबाउट द ग्रीन कार्डिगन ऑफ हर मदर या फिर अबाउट हर न्यू हाउस या फिर लास्ट ऑप्शन है अबाउट मिसिज टॉलिंग.
एक्चुअल में वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोच रही है, वो अपनी मदर के बारे में सोच रही थी जब उसने वापस आना स्टार्ट किया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द टाइम पीरियड मेंशन हियर, यहाँ पर ये कौन सा टाइम पीरियड मेंशन किया गया जब ये स्टोरी लिखी गई होगी। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने, द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, द सेकेंड हाफ ऑफ द वॉर, नियर द न्यू ईयर ईव और नियर द क्रिसमस ईव या क्रिसमस टाइम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है, जो टाइम यहाँ मेंशन किया गया वो है द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, द वर्ड मस्टी कैन बी परफेक्टली रिप्लेस्ड विद। अब देखिए जो मस्टी वर्ड है उसका सिमिलर वर्ड हम कह सकते हैं, आपको यहाँ पर बताना है तो क्या होगा मस्टी का सिमिलर वर्ड। तो अगर हम सभी वर्ड्स को देखें जो सबसे बेस्ट उसका हो सकता है वो है स्टेल। स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी सा, कुछ भी जो है फ्रेश ना होना, वो दैट मे बी कॉल्ड एज मस्टी। अगर हम चाहें तो इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अ क्रिक इन हर बैक, ये एक सिमिलर वर्ड के बराबर है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मिसिज स्टॉलिंग के बारे में थोड़ा सा कहा गया कि अ क्रिक इन हर बैक, तो ये जो फ्रेज है ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है, एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, स्प्रेन है या फिर प्रेशर है। तो यहाँ पर राइट आंसर है यस ऑफ कोर्स, एक स्प्रेन है, थोड़ा सा खिंचाव आप कह सकते हैं, एक क्रिक इन हर बैक, जिसकी वजह से उसकी जो चलने की जो तरीका है वो थोड़ा सा अजीब सा था। द एंटीक प्लेट्स वर्ड, एक्चुअल में जो एंटीक प्लेट्स है उनके लिए जो सबसे जो कॉमन वर्ड हो सकता है वो क्या हो सकते हैं, एंशियंट लगा सकते हैं, ओल्ड फैशन कह सकते हैं या विंटेज कह सकते हैं या फिर पेक्यूलियर कह सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कहेंगे राइट आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पर जो वो एग्जैक्ट वर्ड हम यूज़ करेंगे वो है विंटेज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हेन द नरेटर वाज इन द हाउस फॉर अ फ्यू डेज व्हाट डिड शी नोटिस, जब कुछ दिन के लिए वो घर पर थी उसने क्या नोटिस किया, दैट हर मदर वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर और दैट हर मदर वाज गोइंग टू डाई सून, दैट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द हाउस वर मिसिंग और नन ऑफ द अबव। तो यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे कि नैरेटर की जो देखने की शक्ति है या उसकी सोचने समझने की शक्ति है बहुत स्ट्रांग थी, उसने बहुत जल्दी जज कर लिया कि कुछ चीज़ें घर की ऐसी हैं जो मिसिंग थी। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द हाउस वर मिसिंग। हु वाज मिसिज डॉलिंग, मिसिज डॉलिंग एक्चुअल में थी कौन, तो मिसिज एस की कज़न है, मिसिज एस की एक्वेंटेंस है या नैरेटर की टीचर है या नैरेटर की कोई जान पहचान वाली है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो राइट आंसर है वो है मिसिस एस की, एक्चुअल में वो एक जान पहचान वाली थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, तो एक ऐसा कनेक्शन, एक लिंक जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वहाँ पर उसके लिए क्या आप यूज़ करेंगे, द बॉन्ड ऑफ द ऑथर विद हर रिलेटिव्स, दे कनेक्ट विद हर हैप्पी पास्ट और द एक्विंटेंस विद मिसिस टॉलिंग और द अटैचमेंट विद स्टोर्ड स्टफ। तो यहाँ पर हम कहेंगे जिस कनेक्शन की यहाँ बात की गई है वो है एक्चुअल में जो उसके हैप्पी पास से कनेक्टेड चीज़ें थी वो अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट था, यानी उन चीज़ों को लेकर कह सकते हैं जो उनके घर पर थी, बट मिसिस एस के जाने के बाद उन सब चीज़ों की अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी थी नरेटर के लिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर। अब ये किसने कहा था कि जब भी वो यहाँ से जाती है तो कुछ ना कुछ साथ लेके जाती है, ये किसने कहा था, तो ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर क्या है, ये स्टेटमेंट बोली थी मिसेस एस ने, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज द ऑथर से ओनली मी, तो ऑथर ऐसा किस लिए कहती है ओनली मी, यहाँ पर इस चीज का मतलब क्या है, उसने किस कंटेक्स्ट में ऐसा बोला होगा, तो हम कह सकते हैं उसने बोला था जब वो सिर्फ वॉर के बाद सर्वाइव होके या बच के आ गई वापस, इसलिए उसने बोला था, यानी ओनली द ऑथर हैड सर्वाइव द वॉर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यस ऑफ कोर्स ये है ऑप्शन डी, कि उसकी जो फैमिली है उसकी सारी वो ख़त्म हो गई थी, वो कोई भी नहीं बचा था लेकिन सिर्फ और सिर्फ नैरेटर बची थी, इसलिए उसने बोला ओनली मी। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट हैड मिसिज टोलिंग टेकन विद हर, मिसिज टोलिंग अपने साथ क्या लेकर गई थी, तो सबसे पहले हम कहेंगे ऑल द सिल्वर, यानी टेबल सिल्वर इन वन गो, द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर और शी हैड टेकन लार्ज वेसिस और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी सब का सब सामान वो ले गई थी। द ऑथर फील्स ऑप्रेस्ड इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, वाई ऑथर जो है वो थोड़ा सा ऑप्रेस्ड फील करती है, किस वजह से उस स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में, ऐसा क्या रीज़न था। एक्चुअल में ये बात हो रही है मिसिज टोलिंग के घर पर जब वो जाती है तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगा,
फर्स्ट ऑप्शन है द रूम वॉज अ टेस्टलेस मेस एंड द गर्ल वॉज अनप्लीजेंट, यानी किस गर्ल की बात की गई यहाँ पर, ये मिसिस डोलिंग की बेटी की बात की गई है। इट वॉज अगली एंड मगी इन डार्क कॉन्ट्रास्ट विद हर मदर्स यूज टू, यानी जैसे उसकी मदर यूज टू हैव इट जैसे रखती थी, उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में था ये सब कुछ। नेक्स्ट ऑप्शन है द डॉलिंग फैमिली डिडंट केयर फॉर द वैल्यूएबल थिंग्स, और लास्ट ऑप्शन है द रूम वॉज पुअरली वेंटिलेटेड एंड बैरली लिट। तो देखा जाए तो सारे ऑप्शन ही इसमें करेक्ट लगते हैं, लेकिन सबसे जो क्लोज आंसर है वो क्या है कि जो उनके घर की चीज़ें मिसिस डोलिंग वहाँ से उठाकर लाई थी, उनको जिस तरीके से रखा गया था वो नैरेटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो अप्रेस सा फील करती है। एक्चुअली क्या है, इट वॉज अगली एंड मगी इन डार्क कॉन्ट्रास्ट विद हर, जो उसके साथ उसकी मदर जैसे रखती थी उसके बिल्कुल वो कॉन्ट्रास्ट में थी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई, तो इसलिए वो बहुत डिप्रेस हो जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई स्केसली डेयर टू लुक अराउंड मी, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम कहेंगे नरेटर जो है वो ऐसा क्यों कहती है कि वो देखना नहीं चाहती आसपास, क्योंकि वो सब कुछ देखकर जो है इतना हॉरिफाइड और शॉक्ड हो गई थी कि जिस तरीके से सामान जो है रखा हुआ था, इसलिए वो कहती है कि मैं अब देखना नहीं चाहती आसपास। सो ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ द डोर, या वो उसके पास जो है फुल ये बात हो रही है मिसिस टोलिंग की, जब नैरेटर के घर से वो सामान लेके जाती है तो क्या चीज़ भर के लेके जाती है, सूटकेस, बैग, कंटेनर या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, सूटकेस भी लेके जाती है और एक बैग भी लेके जाती है, ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 16 ए देखिए, द एक्सप्रेशन सेवर्ड फ्रॉम देम, इसका मतलब क्या है, सेवर्ड फ्रॉम देम का मतलब एम्प्यूटेटेड, डिटैच्ड, ब्रोकन या स्लाइस्ड ऑफ। तो जो सबसे क्लोज इसके जाएगा वो है किसी चीज़ से अलग हो जाना, अलग होने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर डिटैच्ड, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर रेफर्स टू, ये एक्चुअल में जो है छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ग्लास पे लगे हुए थे विंडो के, उसको जो है ताकि लाइट ना आए रूम में। तो इसका मतलब क्या है, वो जो ब्लैक पेपर हैं वो एक्चुअल में किस चीज़ की निशानी है, द रेमनेंट्स ऑफ द वॉर एंड इट्स एग्नी, कि जो कुछ बचा हुआ था वॉर के बाद या उसकी जो पेन जो उनके माइंड में चल रही थी, या बिट्स एंड पीसीज ऑफ ब्लैक पेपर ऑन द विंडो पेन्स और ए वे टू ब्लॉक डे लाइट और यूजिंग ब्लैक पेपर्स इंस्टेड ऑफ कर्टन्स इन वॉर। तो देखिए अगर नॉर्मल मीनिंग देखें तो हम कहेंगे ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसको हमने सिम्बॉलिकली ये करता है रेमिनेंट्स ऑफ वॉर एंड इट्स एग्नी, कि वॉर ने जो कुछ छोड़ा और उसकी जो पेन है वो भी वहाँ पे थी। सो व्हाट इज़ ट्रू अबाउट मिसिस डॉलिंग्स हेयर, या मिसिस डॉलिंग के बारे में क्या बात सही है, तो हम कहेंगे उनके बारे में जो सही बात है वो है शी हैड अ ब्रॉड बैक, उनकी जो बैक है वो काफ़ी ब्रॉड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज मिसिस डॉलिंग्स रिएक्शन व्हेन मिसिस एस इंट्रोड्यूस्ड हर विद द नैरेटर, तो मिसिस डॉलिंग का क्या रिएक्शन था जब नैरेटर को इंट्रोड्यूस किया गया उसकी मदर के द्वारा मिसिस डॉलिंग से। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो राइट आंसर है वो क्या है, शी जस्ट नॉडेड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सो व्हाट वाज मिसिस टोलिंग वियरिंग व्हेन द नैरेटर्स मदर इंट्रोड्यूस द नैरेटर विद हर, उस टाइम मिसिस टोलिंग ने क्या पहना हुआ था जब नैरेटर को इंट्रोड्यूस किया गया उसके साथ। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि सारे ऑलमोस्ट सिमिलर कलर हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज यहाँ पर है और यहाँ पर भी माइनर सा हैट कैप का डिफरेंस है। तो हम कहेंगे राइट आंसर है ऑप्शन ए, ए ब्राउन कोट एक तो पहना हुआ था और साथ में एक शेपलेस हैट भी पहनी हुई थी मिसिस टॉलिंग ने, ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। नेक्स्ट देखिए, विच स्ट्रीट डिड मिसिस एस्टेल हर डॉटर टू रिमेंबर, और कौन सी स्ट्रीट बोली गई थी जिस जहाँ पर वो कहती थी कि तुम्हें एग्जैक्ट जो है एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि दोनों सी एंड डी ऑप्शन सिमिलर हैं, लेकिन एक मार्कोनी स्ट्रीट है दूसरी मैक्रोनी स्ट्रीट है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, येस ऑफ कोर्स ऑप्शन सी है, मार्कोनी स्ट्रीट की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इंडिकेटेड दैट द नैरेटर्स लाइफ हैड बिकम नॉर्मल अगेन, ऐसी क्या चीज़ थी जिससे पता लगता है कि नैरेटर की लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई थी। तो देखिए यहाँ पर जो चैप्टर में बताया गया कि ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, अब ब्रेड का कलर थोड़ा सा लाइट हो गया था। देर वॉज ए बेड वे वन कुड स्लीप अनथ्रेटन, अब एक बेड था जहाँ पर कोई बिना डरे सो सकता था। अ रूम विद ए व्यू वेयर वन यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, आप एक रूम से बाहर का जो व्यू ले सकते थे। और लास्ट ऑप्शन ऑल दी अबव, तो यहाँ हम कहेंगे राइट आंसर क्या है, येस ऑफ कोर्स ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल द अबव।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नरेटर विजिटेड देयर, जब नरेटर जाती है वहाँ सेकंड टाइम, तो किसने दरवाजा खोला था वहाँ पर? तो आई थिंक सो आपको याद होगा, अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? यस ऑफ कोर्स, मिसिज डॉर्लिंग की डॉटर ने, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड वॉज मिसिज डॉर्लिंग्स डॉटर, मिसिज डॉर्लिंग की बेटी की एज क्या थी? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन यस, ऑप्शन डी है, 15 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैड मिसिज डॉर्लिंग गॉन व्हेन द नरेटर विजिटेड देयर फॉर द सेकंड टाइम, मिसिज डॉर्लिंग एक्चुअल में कहाँ पर गई थी जो वो सेकंड टाइम वहाँ जाती है? तो हम कहेंगे वो एक्चुअल में जाती है यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन डी, शी हैड गॉन ऑन एन एरेंड। एरेंड क्या होता है? एक्चुअल में शॉर्ट जर्नी होती है जो आप कुछ पैसे के लिए करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से कुछ सामान मंगवाता हूँ और बोलूँगा कि जो पैसे बचेंगे वो तुम रख लेना। इसका मतलब क्या है कि मिसिज डॉर्लिंग ऐसे काम करती थी हमेशा, जहाँ से उसे एक या दो पैसा बच जाए, कुछ भी बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द नरेटर नोटिस हैंगिंग नेक्स्ट टू द मिरर, नरेटर ने क्या नोटिस किया मिरर के बिल्कुल नेक्स्ट, क्या चीज़ हैंग कर रही थी, हैंग मतलब कोई चीज़ लटकी हुई थी, वो क्या थी वहाँ पर? तो यस कोर्स हम कहेंगे वो थी एक ओल्ड फैशनड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर जो है, हनुक्का जो है, ये कहते हैं कि नो डाउट ये सिंगल, उससे तो काफ़ी हैवी था, मीन्स अगर ये लगा लीजिए कि ये कभी अकेजनली इसको यूज़ करते होंगे, लेकिन वहाँ पर उसको ऐसे पड़ा हुआ देखकर इसको फिर से दुख हुआ। सो व्हाट डिड द नरेटर एक्सपेक्ट टू सी ऑन द वुलन टेबल क्लॉथ, वुलन टेबल पर उसने क्या चीज़ देखी जो उसको लग रहा था कि यहाँ पर वो चीज़ होनी चाहिए? जब उसको उसने रिकॉग्नाइज किया तो उसको लगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यस ऑफ कोर्स एक बर्न मार्क होना चाहिए, और वो उसको वहाँ पर दिखा भी, यानी जला हुआ एक निशान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर मिसिज डॉर्लिंग्स डॉटर पाउर द टी, मिसिज डॉर्लिंग की बेटी ने चाय कहाँ से डाली, सिल्वर पॉट से, वाइट पॉट से, स्टील पॉट से, या अर्थन पॉट से? तो यहाँ पर हम कहेंगे उसने जो चाय डाली थी वो एक वाइट पॉट से डाली थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द नरेटर डिसाइड टू फॉरगेट अबाउट ऑल सच थिंग्स, नरेटर ने इन सब चीज़ों को भूलने का ही क्यों प्लान आउट किया? क्योंकि वो उसकी मदर से कनेक्टेड थी और शी वॉज लिविंग इन ए स्मॉल रेंटेड रूम और शी कुड नॉट कैरी ऑल द थिंग्स हरसेल्फ, या बोथ ए एंड बी? तो हम कहेंगे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी, कि एक तो ये सारी की सारी चीज़ें उसकी मदर से कनेक्टेड थी, और दूसरा रीज़न क्या था कि वो खुद एक स्मॉल रेंटेड रूम में रह रही थी तो उसके पास इतना स्पेस भी नहीं था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए। आई होप सो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड, फिर भी आपको बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।